नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। जैसा कि इन दिनों आई फ्लू के चलते रोड किनारे फुटपाथों में चश्मा की दुकानें ऐसी सजती हैं जिसका कोई जवाब नहीं, 10 का चश्मा 50 का बेंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो चश्मा 50 रुपए का मिल रहा था वह इस समय 250 से लेकर 300 रुपए का चश्मा बेंच रहे हैं फुटपाथों पर। यह सभी शासन प्रशासन को जानकारी भी है, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है, जबकि मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं दुकानदार। और इस समय सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप कारगर है जो सरकारी अस्पतालों से गायब हो रही है। और जब खागा कस्बे के मंथन हॉस्पिटल के डॉक्टर एसआर खान से आई फ्लू और बारिश से होने वाली बीमारियों के संबंध में जानकारी ली तो मंथन हॉस्पिटल के डॉक्टर एसआर खान ने सुझाव दिया कि ठंडे पानी से आंखें धुले और आंखों को मले नहीं और चश्मा बराबर पहने ताकि आई फ्लू वायरल का क्रम खत्म हो। और बारिश का समय है, अपने घर के आसपास जलभराव ना होने दें, नहीं तो मच्छरों का जन्म होगा जिससे मलेरिया, डायरिया, फैलेरिया और डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी हो सकती है। आए सुने क्या कहा मंथन हॉस्पिटल के डॉक्टर एस आर खान ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर एस आर खान, मंथन हॉस्पिटल मानूगपुरवा खागा फतेहपुर। जैसा कि डॉक्टर साहब इस समय देखा जा रहा है कि जो बच्चे जा रहे हैं विद्यालय, जी छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, ज्यादातर चश्मा लगाए हुए हैं, इसका क्या रीजन है? आजकल ये बारिश में आम बीमारी है कंजंक्टिवाइटिस की, ये वायरल एलर्जी बीमारी है और ये संक्रमण फैलता है एक दूसरे से। जी जैसे हाथ मिला लिया आपने किसी, कंजंक्टिवाइटिस है, गले लग लिया, इसके वजह से ये फैलती है और ये 4-5 दिन से 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है। इसके उपाय के लिए आप काला चश्मा लगाइए, आप दूर रहिए जिनको है जी, और ये ठंडे पानी और इससे 4-5 बार हाथ धोइए, साफ कपड़े से पोछिए और जहाँ तक हो सके जिनको कंजंक्टिवाइटिस है उनसे दूर रहिए। जैसे कि इस समय बारिश का समय है, इस बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां जो है उत्पन्न हो रही हैं? बारिश के मौसम में जनरली जो है डेंगू की बीमारी होती है जो कि मच्छर काटने से होती है। जहाँ पानी का भराव रहे, पानी का भराव ना रहना चाहिए, इसके वजह से इसके मच्छर होते हैं और उनके काटने से डेंगू फैलता है। और इस टाइम बारिश में ज्वाइंडिस की भी बीमारी होती है, तो गंदे पानी या संक्रमित पानी पीने से होता है, इसीलिए पानी का बस से ध्यान रखना चाहिए, पानी को उबाल के पीना चाहिए। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव में ये है कि पानी का जला भराव जहाँ हो और डेंगू मच्छर दिन में ही काटते हैं तो उससे दूर रहना, पानी भरना नहीं चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, पानी में ही मच्छर होते हैं। और जॉइंडिस के लिए जो है पानी को भी उबला होना चाहिए, तो पानी बारिश में पानी के वजह से ही दिक्कत होती है। जैसे कि बहुत से लोग जो है मेडिकल स्टोर जाके दवाइयाँ ले लेते हैं, ये उचित है? नहीं, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आजकल तो सरकारी अस्पतालों में बहुत सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ जो डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं उनके यहाँ जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। तेज बुखार या ज़्यादा लग के भी आता है तो उन्हें चेकअप कराना चाहिए। थैंक यू।